अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस्म से रूह कैसे निकाली जाती है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो देख के शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपकते हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़े और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर की चलने लगती है, यह वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्ते को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उनके कान में कुछ मशवरे देते हैं और दूसरी तरफ उनकी जबान उनके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी जबान को कलमाए शहादत की हिदायत देता है, और इंसान काफिर हो, बददीन, मुशर्रिक या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कन्फ्यूज और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरों की पैरवी करता है और बहुत सी मुश्किल से कुछ अल्फाज जबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फिजूल बातों को सोचने का मौका नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठा हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है, आखिर रूह को ले जाते हैं हुए देखती है, इसलिए आंखों को पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है या जिस सिमत में फरिश्ता रूह कब्ज करने आती हैं उस सिमत की तरफ होती है। उसके बाद इंसान की जिंदगी का सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों से तहखानों से लेकर आराम के महलात की आहट महसूस करने लगती है, जैसे कि उससे वादा किया गया है जो दुनिया से वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम ए बरोज का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मरा चुका हो। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाले जाते हैं। गुनाहगार की रूह खुरदरा दरख्त कर पड़े सूती कपड़ों की तरह खींची जाती है। अल्लाह सुबहानो व ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नशीब अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।